ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं या नतीजों की एक स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं कि किस तरफ मार्केट जाएगा, कैसे देख रहे हैं आप ट्रेडर्स के मूड को किरण? देखिए प्रदीप जी, जो मूव हमने देखी है 8300 के नीचे से जो ऊपर आई है 8800 के करीब, इन लेवल्स पे कहीं पे भी आपको डायरेक्टिव डेटा ये नहीं संकेत दे रहा था कि एग्रेसिव अप मूव आपको देखने को मिल जाएगा। पर उसके बाद भी हम हायर टॉप हायर बॉटम छोटे पैमाने के चार्ट्स पे देखते नजर आ रहे थे। अगर आप एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म चार्ट इंट्राडे के चार्ट्स के भी देखेंगे तो ऑल डाउन मूव्स वर बॉट इनटू, ये बहुत अच्छे संकेत होते हैं। तो ये मिक्स डेटा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था इस पूरी रैली में। जैसे हम 8800 क्रॉस करते नजर आए तो डेरिवेटिव डेटा में जो शॉर्ट पोजीशंस कॉल राइट किए जिन्होंने किए थे वो थोड़े से ट्रैप होते नजर आ रहे थे। मेरा ये मानना है कि इसी वजह से हम अभी बिकवाली दिखाई दे रही है। पर अगर वापस एक बार ये बिकवाली के बाद अगर आज या कल के बाद वापस 8800 के ऊपर चलते हैं तो बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिखाई देगी, जो कि आपको 8950 के करीब निफ्टी को जाते हुए देखेंगे। 9000 क्रॉस करना ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, क्योंकि दो बार ये इसने टॉप किया है क्लोजिंग बेसिस पे, और इसके ऊपर जाते हुए अभी फिलहाल तो ऐसा कोई स्ट्रेंथ नहीं नजर आ रही है कि 9000 क्रॉस करे। बट 8950 तक जाने की पूरी पूरी संभावना है अगर 8800 हम वापस एक बार क्रॉस कर लेते हैं तो। ओके, चलिए तो मंगलवार